नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, इस समय पूरे देश में वोटों की काउंटिंग हो रही है और इस बार की जो समीकरण है उसमें बहुत सारा उलटफेर नजर आ रहा है। कई जो राज्य हैं उनमें जो सरकारें हैं वहां की, उसका उलटफेर अभी तक की जो काउंटिंग हुई है उसमें नजर आ रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 सीटों पर इस समय लोकसभा के जो चुनाव हैं वो हुए थे, जिनमें से कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आती हुई नजर आ रही है। 13 में से जो रुझान है वो 7 सीटों पर कांग्रेस के हक में, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के हक में। हालांकि वहां विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में जो इस समय सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है और जो श्रोमणी अकाली दल इस समय पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी वो मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है। और सबसे बड़ी बात, इस बार पंजाब में जो समीकरण बने हैं उसमें 2 ऐसे कैंडिडेट हैं, 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जो आजाद लड़े हैं, खडूर साहब से अमृतपाल सिंह, फरीदकोट सीट से सरबजीत सिंह खालसा। ये दोनों आजाद उम्मीदवार जो हैं इस समय बढ़त बनाए हुए हैं, अभी तक लगातार उनकी बढ़त बनी हुई है। अभी तक रुझानों में जो कांग्रेस पार्टी है वो 7 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर, आजाद उम्मीदवार जो है अन्य है वो 2 सीटों पर और 1 सीट पर श्रोमणी अकाली दल आगे चल रही है। हम आते हैं हिमाचल की तरफ। हिमाचल में कुल 4 सीटें हैं लोकसभा की और 4 की 4 जो सीटें हैं उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। सुबह की अगर बात करें, सुबह जो शिमला वाली सीट थी वहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो थे वो आगे चल रहे हैं, पर अभी की अगर बात करें तो अभी चारों की चारों जो सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चलती हुई नजर आती है। हरियाणा की तरफ आते हैं। हरियाणा लोकसभा की बात करें, पिछली बार हरियाणा ने लोकसभा में क्लीन स्वीप किया था, वहां लोकसभा की 10 सीटें हैं और 10 की 10 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी लेके गई थी, लेकिन इस बार को जो समीकरण है वो बिल्कुल उल्ट बनते नजर आ रहे हैं। अब तक 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने 1 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को दी है, कुरुक्षेत्रा सीट, और कुरुक्षेत्रा सीट से अभी तक जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। और चंडीगढ़ सीट की बात करते हैं, चंडीगढ़ में एकमात्र लोकसभा की सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कड़ा मुकाबला था, लेकिन सुबह से अगर देखें तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मनीष तिवारी वो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, अभी तक लगभग 10,000 वोटों से वो आगे जा रहे हैं। शाम तक क्या होता है ये सब समीकरण अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे।